अरे बात माइसेल्फ सोनू हार्डवेन, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 12 के ऊपर, जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। आज ये हमारा दशमलव का पार्ट 3 है, जिसमें क्या सीखेंगे, दशमलव का गुना सीखने वाले हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि इसे आप ट्रिक समझिए या इसे आप मेरा मेहनत समझिए, लेकिन जो मैं तरीके से आपको ये समझाने वाला हूँ, शायद ही ऐसा कोई होगा जो ये समझाने जो ये ऐसा कभी समझाया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है और बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि मैं ये ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा। अरे ट्रिक होता है क्या है, मेरा मेहनत आपको मैं समझाऊंगा, बस 1 मिनट में हो गया, उसे को तो ट्रिक कहते हैं। देखिए ध्यान से क्या है, जब भी आपको दशमलव का गुना दिया जाए तो कैसे करना है। सबसे पहला काम वो ये कि देखिए, जो नंबर देखिए दिया गया है ना, बस खाली नंबर पे ध्यान देना है, और बाकी जितना भी जो दशमलव है फालतू का या फिर जो जीरो है उसके ऊपर ध्यान देना नहीं है। सबसे पहला काम कि आपको नंबर पर ध्यान देना। तो यहाँ पे नंबर क्या क्या दिखे दिया गया है, 3 और 4। अब इसमें गुना है तो बस गुना कर दीजिए, सिर्फ आपको ये दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, बस खाली नंबर को आपको गुना करना है। तो कितना देखिए, हो गया 3 चौके 12 हो गया ना, तो यहाँ पे लिखिए 12। ठीक है, इतना से समझ में आ गया। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब गिनिए कि दशमलव के बाद कुल कितना अंक है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, 1, और यहाँ पर दशमलव के बाद भी 1 ही अंक है, तो कुल कितना अंक हो गया दशमलव के बाद, 2 अंक हो गया ना। इसका मतलब कि हमको 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देना है। ये क्या हो गया आपका, ये दशमलव का गुना बन गया। कितना आसान से बन गया ना फ्रेंड्स। यदि आप वही काम करते 0.3 0.4 तो इसमें क्या होता, बहुत टाइम लगता, और टाइम तो लगता ही लगता, साथ में ये सही बनता भी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उससे ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, 1.2, तो इसे आप 1.2 मत समझिए, क्या समझिए, 12 लिखा हुआ है। ये कितना देखिए लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ 1, ये कितना है, तो ये है 2। अब 12 को 1 से और 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, तो 12 एकम 12 हो गया, और फिर 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि इसे गुना करने पर मेरा नंबर कितना आने वाला है, 24 आने वाला है, 24 कर दिए। अब यहाँ पर गिनने के दशमलव के बाद कुल कितना अंक देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 अंक ये हो गया, 2 3 4 ये हो गया, 5 6 7, यानी कि कुल 7 अंक है दशमलव के बाद। तो हमको क्या करना है, 7 अंक के पहले दशमलव बैठाना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो बस 2 अंक में ही दिया हुआ है, तो बाकी का हम 5 अंक कहाँ से लेकर के आएंगे, तो बाकी का जो 5 अंक है वो आप वहां पर 0 बैठा दीजिए। तो 2 ये हो गया, 3 4 5 हो गया ना, देखिए 5 अंक। अब कुल कितना है, 3 6 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, 0.3 0.5 और 0.01 देखिए दिया हुआ, बस नंबर को खाली गुना करना है और उसके हिसाब से बैठा देना है पॉइंट को। तो 3 5 15 15 एकम 15 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए 15। अब देखिए दशमलव के यहाँ बैठाएंगे हम लोग, तो ये हो गया 2 अंक यहाँ पर, 3 4 4 अंक हो गया टोटल, तो हमको 4 अंक के पहले दशमलव बैठा देना है। तो 2 ये हो गया, 3 4, ये हो गया आपका क्या, एक लाइन में आंसर। नहीं विश्वास होता है तो आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में जाके इसको सर्च कर लीजिएगा, सिर्फ इतना ही आंसर आने वाला है। यहाँ पे देखिए जितना भी बड़ा दे दे, जितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे दे, इस प्रकार से ही बनेगा दशमलव का गुना। देखिए 2 2 2 तो कितना हो गया, 2 2 4 4 2 8 हो गया ना, यहाँ लिखिए 8। अब गिनिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 और यहाँ पे 4 अंक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गया ना। तो हमको क्या करना, 7 अंक के पहले दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, बस ये हो गया आपका आंसर। चेक कर लीजिए, देखिए इतना ही आने वाला है। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। अब याद रखिए फ्रेंड्स, ये कैसे बनेगा समझे, यहां मैंने अभी आपको क्या समझाया कि दशमलव को भूल जाना है, जीरो को भूल जाना है, बस आपको खाली यहाँ पे नंबर दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पर नंबर है आपका 25, यहाँ पे कौन सा नंबर है तो वह है 7, और यहाँ पर कौन सा नंबर है तो वह है 5। इसे गुना कीजिए कि देखिए कितना आता है, बताइए हमको। तो कितना हो गया, 25 बचे 125, और 125 में फिर 7 से गुना करना, तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए 7 बचे 35, बचा हाथ में 3, 12 7 84 और 3 हो गया 87, यानी कितना है गुना करने पे,
तो वो आएगा आपका 875 आएगा, ठीक है। नॉर्मल से पहले गुना कर देना है। अब गिनिए कि दशमलव के बाद कुल कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंक है, यानी हमको 7 अंक के पहले दशमलव बैठाना है। तब 3 4 5 6 7 यहाँ पे दशमलव और ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका क्या आंसर, बहुत इजी है। आप सर्च कर लीजिएगा कैलकुलेटर में चेक करने के लिए, गारंटी के साथ बोलता हूँ सही है ये आएगा। देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, क्या नंबर यहाँ पे 7 है, यहाँ लिखते हैं 7 है, ये 9 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना 23 है, गुना कीजिए कितना आता है। तो 7 9 63 63 हो गया, 63 4 कितना होता है, तो 63 4 4 3 12 हो गया, 4 6 24 5 252 हो गया, इस 252 में गुना करना है 23 से, तो 23 2 46 का 6 हो गया, ठीक है। 23 2 46 का 6 बचा हाथ में 4, 23 बचे होता है 115, 115 और 4 हो गया 119 का 9, बचा हाथ में 11, 23 2 46 और 11 कितना होता है 57 होता है, तो ये हो गया आपका क्या 57 हो गया, ठीक है। गुना करने पे हमारा इतना आता है, लेकिन दशमलव कहाँ बैठाना है तो गिन लेते पहले, 2 4 3 7 1 8 अंक के पहले, तो 4 अंक ये हो गया, और 4 आप अपने मन से 0 बैठा दीजिए और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, हो गया आपका ये आंसर। कितना आसान है ना आसान। 2-3 क्वेश्चन में आप और आपके सामने लेकर के आता हूँ, उसके बाद फिर ये मिनट ये आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि सभी जो नंबर था ना सभी आपका दशमलव में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर क्या कि आपको दशमलव में दिया हुआ है और कुछ नंबर आपको दशमलव में नहीं दिया हुआ है, वो कैसे सॉल्व करना है समझ लीजिए ध्यान से। सेम रूल लगाइए और क्या, सेम रूल ही लगाना है। तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 5। अब यहाँ पर जब दशमलव नहीं दिया गया है तो हमको इसे पूरा पकड़ना पड़ेगा, यानी ये पूरा पूरी कितना 1000, और यहाँ पे कितना सिर्फ 2 लेना होगा, तो कितना हो गया 5 5000 और गुना 2 कितना हो गया 10000 हो गया ना, यानी 10 और यहाँ पे 3 0 एक्स्ट्रा आ गया, 10000 हो गया गुना करने पे, ये गुना करने पे आ रहा है। अब गिनिए कि दशमलव के बाद कुल कितना अंक है, तो यहाँ पर 1 अंक है ये, ठीक है, और यहाँ पर कितना अंक है 1 2 3 4 अंक है, यहाँ पे कुल कितना हो गया दशमलव के बाद 5 अंक हो गया ना, तो हमको अब क्या करना है 5 अंक के पहले दशमलव बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 यानी दशमलव कहाँ बैठेगा, इस जगह पे बैठेगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए अगर आप आंसर वाले अगर आप आंसर जाके चेक करेंगे तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, क्यों बता रहे हैं, वहां पे आपको आंसर में 0.1 भी दे सकता है, 0.10 भी दे सकता है, 0.100 भी दे सकता है, या 0.140 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 1 का तो वैल्यू है, लेकिन अगर दशमलव के बाद 1 की अगर बाद में 0 लिख देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको 1 में ही गिनती होगा, ठीक है, क्योंकि इससे कोई वैल्यू है ही नहीं। अब वैल्यू तो किसका, अगर यही 0 जो यहाँ पे लास्ट में जो आता है वही 0 अगर फर्स्ट में आ जाए तो इसका बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है इसका, ठीक है। तो आप जब आंसर जाके मिलाएंगे ना तो आपको आंसर में वेरी कर सकता है, लेकिन समझिएगा क्या जो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे कितना है 100, यहाँ पे देखिए आया 1000, यहाँ पे 231, गुना करना 231 और यहाँ पे कितना 100 से या फिर 1000 से गुना करना, करते हैं गुना, तो कितना होगा 2 6 4 और यहाँ पे कितना 00 और ये हो गया 4 3 0 बैठाइए यहाँ पे 4 6 2 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आ गया इतना। और हाँ फ्रेंड्स इसके आंसर में आप मत जाइएगा, ठीक है, अर्चना वाला के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसमें अधिकतर आंसर क्या है ना बहुत ही गलती प्रिंट किया हुआ है, मैंने खुद इसे बहुत बार देखा, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से एक मैथ सही बन जा रहा, मतलब उसके आंसर सही आ जा रहा, लेकिन सेम क्वेश्चन दिया है बस खाली उसमें नंबर चेंज किया हुआ है और उसी कॉन्सेप्ट पर यह मैथ बन रहा है, वही जो दूसरा मैथ है वो क्या, और उसका आंसर आ ही नहीं रहा, ऐसा क्यों, तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट में जो, तो जब सेम कॉन्सेप्ट है तो आंसर भी तो सेम आना चाहिए ना, लेकिन आंसर में वेरी क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसलिए है ना, यहाँ समझिए। तो यहाँ देखिए कितना गुना करने पर इतना आ गया। अब दशमलव को देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 2 अंक है दशमलव के बाद और यहाँ पर 3 अंक है, इसको क्यों नहीं लिए, इसको हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर कोई दशमलव है ही नहीं, इसलिए देखिए इसको पूरा पूरा पूरी गुना किए हैं, जबकि इसका सिर्फ 2 लिए और इसका सिर्फ 2 3 1 लिए। अब गिने कितना अंक है, तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया,
तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा, यानी पूरा पूरा आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 4 6 2 आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए दशमलव जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, जो थोड़ा सा अगर हम चेक भी कर लें तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 1000 हो गया, यहाँ पे आ गया हमें कितना, इतना हो गया। देखिए तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, कंप्यूटर पूरा पूरा आपका 462 आंसर आने वाला है। ये एक अलग तरीका है, सिखा देखिए हम, बोलिए सिखा दे तो बोलिए, चलिए सिखा ही देते हैं। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको एक दूसरा तरीके से जो मैथ बताया ना, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं, शायद आपके लिए वो अच्छे से कारगर सिद्ध हो जाए, अगर ये आपको पहला तरीका समझ में नहीं आया होगा तो। देखिए क्या, मान के चलते हैं यहाँ पे 0.004 है, गुना हो गया यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे गुना हम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 0.365, और यहाँ पे गुना करते हैं 1 2, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 1 2 2 2 2 2। ठीक है, इसको कैसे गुना करना समझिए ध्यान से। सबसे पहला काम आपको नंबर वाले से गुना करना है, जहाँ दशमलव रहेगा उसका दशमलव के बाद जो नंबर है उसको पकड़ना है, और जहाँ पे दशमलव नहीं दिया हुआ वहाँ पे आपको पूरा नंबर लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है, यहाँ पे क्या पूरा पूरी 1000 है, ठीक है, यहाँ पे क्या 365 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पूरा पूरी 20 कितना है, इकाई दाएँ सैकड़ा, 1000, 10000, 1,00,000, 2,00,000 है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे गाड़ी गुना कर रहे थे, अब ऐसा नहीं करना। ये हम लोग का क्या ट्रिक नंबर 2, वो देखिए क्या कहता है कि देखिए दशमलव दिया है ना, तो इस दशमलव को पहले काट करके क्या करना है, कितना अंक है दशमलव के बाद, 3 अंक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 और 3 को 0 बैठा देना काट करके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा पूरी उतार दीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई दशमलव तो है नहीं। यहाँ पर क्या आया, 0.365, ये मैंने आपको सिखाया था शायद कि दशमलव को काटने के बाद क्या होता है, नीचे में आप उतना 0 बैठाना पड़ेगा आपको, तो क्या ये काट दिए, और यहाँ भी 3 अंक दिया दशमलव के बाद, तो कितना 0 बैठाएंगे, 3 0 1 2 3। अब यहाँ पे इसको लिखिए क्या है, 2 हो गया, 1 2 3 4 5, अब गुना करना। तो देखिए यहाँ से ये 1000 से ये 1000 कटा, ठीक है, और यहाँ पे ये 1000 से मतलब 3 0 से ये 3 0 कटा, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 4 बचा, यहाँ क्या बचा, 365 बचा, यहाँ पे क्या बचा, मात्र 200 बचा, गुना कीजिए कितना आएगा, तो 200 चौके हो गया 800, इस 800 में अब गुना करना है किससे, 365 से, मतलब किस में पहले गुना कर दिए थे, कीजिए 8 बचे 40 हो गया, 2 0 तो एक्स्ट्रा रहेगा ही रहेगा, 8 बचे 40 बचे 4, 8 6 48, 4 हो गया 52, बचाते हैं 5, 8 3 24 और 5 हो गया 29, तो यानी आपका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा आपका ये आंसर, 2,92,000। आया समझ में किस प्रकार से मैथ बन रहा है, या तो आप पहले गुना कर लीजिए उसके बाद फिर दशमलव के बाद कितना अंक है उसको गिन करके वहां पे दशमलव बैठा दीजिए, या फिर आप दशमलव को तोड़ दीजिए पहले 100 वाले टर्म में 1000, मतलब कि आप दशमलव को तोड़ दीजिए पहले फ्रैक्शन वाले टर्म में और फिर उसको आप सॉल्व कर दीजिए। दो तरीका आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये जो मेरा ट्रिक था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ चुका है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और शेयर कर दीजिएगा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय।